आपको सलाम मेरा सबको राम राम। आपको सलाम मेरा सबको राम राम। रे अब तो बोले आदमी का आदमी है नाम। रे अब तो बोले आदमी का आदमी है नाम। आप सभी श्रोताओं को मैं कौशल भुट्टो हार्दिक प्रणाम करती हूँ और सबका आज के इस कार्यक्रम में जो कवि मोहम्मद सद्दीक भाटी की 26वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है उस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जन कवि मोहम्मद सद्दीक भाटी साहब जो राजस्थान के बीकानेर शहर से अः बीकानेर शहर के निवासी थे, राजस्थानी और हिंदी भाषा के जाने माने कवि थे। कई मंचों पर उन्होंने अपने गीतों के जरिए काफी प्रसिद्धि पाई और उनके गीतों का कई लोक कलाकारों ने गांव गांव जाकर प्रचार प्रसार भी किया। पर आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका परिचय करवाना चाहूंगी उनके छंद मुक्त कविताओं से। तो शुरू करती हूं मैं उनकी पहली कविता किताब अभी अंधेरा है से। बस इतना सा फर्क है तुझ में और मुझ में, बस इतना सा फर्क है तुझ में और मुझ में। प्रगति के पथ पर अग्रसर मैं, लेकिन सामने की तेज हवा, थका देने वाली चढ़ाई, रास्ते की तमाम बाधाएं, और तुम बिना पैडल मारे तुम्हें जो गति मिली है वह तुम्हारा अपना प्रयास नहीं। जहां से ढले हो और ढलते ही जा रहे हो, गति के साथ नीचे और नीचे। यह ढलान है प्यारे, यहां चढ़ना नहीं उतरना है, तेज रफ्तार के साथ। अगली कविता आपके सामने पेश करती हूं। कविता का मर्म समझिएगा। मुलाकात के शीशे पर हर रोज पल प्रतिपल हालात के गर्द की परतें जमी रहती हैं, परत दर परत। शीशे का बेजुबान पानी जुबा दराज होना चाहता है। गर्द से भरे शीशे में शक्ल साफ नजर ना आने के डर से नमस्ते का हाथ बार बार उठता है। फेरना पड़ता है शीशे पर हाथ, उसकी आबदार काया पर कबूल करनी ही पड़ती है सलाम की सिफारिशें। और इस तरह जाने अनजाने इन्हीं रिश्तों के रिश्ते नासूरों को मन बेमन सरेरा सहलाना सराहना पड़ता है। महसूस करनी पड़ती है ताजगी उनके सरोकार का जिंदा एहसास। अगली कविता सुनिएगा। सवेरे से शाम तक सोते जागते जाने अनजाने न मालूम कितनी ही चींटियां पैरों तले आती हैं आपके और मेरे। कुचल दी जाती हैं, मर जाती हैं, मामूली जीव की मामूली मौत। कुचलने वाले से कब सवाल, कैसा सवाल। वैसे इनका संगठित स्वरूप कतारों में अपने से बड़े जीवों की लाशें ढोते देखा जाता है। इन्हीं चींटियों की संगठित शक्ति नोच लेती है मांस, पी जाती है रक्त उन सब का जिनके बोझ से दबकर मर जाती है। इन्हीं सामूहिक बलिदान ने इसी सामूहिक बलिदान ने सिखाया इन्हीं चींटियों को अपनी औकात का एहसास करवा देना। चींटियां नरबख्शी भी हैं। जी अगली कविता है। भारी भीड़ में से लपक कर ले आया हूं एक नमूना आदमी का, अपने अजायब घर में रखने योग्य। एक अजूबा है, ना बोलता है ना बोलना आता है, ना सुनता है ना सुनना आता है। टुकुर टुकुर देखता रहता है, मौन है, मिश्र की मम्मी सा। अपने ही परिवेश से उभरे, जकड़ते, जड़वत्ता प्रदान करते। संस्कारों के पिरामिड में दफनाया सा, कफनाया सा यह अजूबा। क्रांति और भ्रांति के भेद को समझने में असमर्थ है आज तक। जी अगली कविता सुनिए। आप माने या ना माने, पीड़ा खुद पीड़ित होकर आंसू आने लगती है।
साहस सिहरने लगता है, दर्द खुद दहल जाता है, किसी गली गलियारों में भटकते फिरते पत्तल चाटते नंगे भूखे भिखारी को देखकर, फिर देखते रहने की मजबूरी का एहसास, अपनी खुली फटी फटी सी आंखों से देखता है उसे और उनके विदुर होते विश्वास, बिन ब्याही विधवा सी बलात्कारित होती हुई आशा, फिर दर्द खुद दहल जाता है और साहस सिहरने लगता है। अगली कविता सुनिएगा। समूची धरती के कुबड़े और समतल धरातल पर बसी ये बस्तियां, उनमें घर बेघर बसने वाले लोग थमा देते हैं आने वाले कल के हाथों अतीत से चले आ रहे असंख्य सवालों को, जिनका हल ढूंढ निकालना कल का काम नहीं, उसके बस की बात नहीं। वर्तमान कस मसाता है, महसूस करता है घुटन, फट पड़ना चाहता है उसका ज्वालामुखी और उगलना चाहता है उबलता खोलता लावा। बदलाव के लिए नई राह और नई चाह, नए मार्ग की तलाश में। अगली कविता है नौजवानों पर, सुनिएगा। नौजवान सच है तेरा हाथ जोड़ हथियार बासी हो गया है, बोदा है बदबू देने लगा है, मुठियां तान अकड़ कर चल, झपट कर छीन ले बाज की तरह अपना हक अपना अधिकार। हाथ जोड़ हथियारों ने ऐसे बोदे बांसी संस्कारों ने, फर्शी सलामों ने तेरे सीने में मोच और कमर में कुबड़ कर डाली है। काफी है तेरे मुचे चोट खाए खंडित व्यक्तित्व के परिचय के लिए, परंतु मत स्वीकार यह संस्कार, स्वभाव में सामने से पहले ठुकरा दे, ठोकर मार दे इसे, पैदा कर अपने में उस निज को जो तुझे जीवित रख सकता है। अगली कविता सुनिए। अगली कविता है ऑक्टोपस पर। गहरे बहुत गहरे किसी सागर के किनारे किसी एक चट्टान पर बैठकर, शांत शीतल पारदर्शी जल में भीतर ही भीतर होने वाली हर हरकत से अनायास ही जुड़ जाता हूँ। सुना है गहरे जल में ऑक्टोपस रहते हैं, परंतु निरंतर संघर्षरत मछलियों में उनकी नस्ल इतनी कम कर दी है कि तलाश करते करते तलाश खुद हारने लगी है। इस आठ पांव वाले मांसाहारी जल में रहने वाले जीव से सीधे संघर्ष में माना संघर्षरत जल के जीवों का सराहनीय प्रयास अपनी अपनी जीवन रक्षा के लिए अपर्याप्त तो होता होगा, फिर भी ऑक्टोपस के अष्टपदी प्रहारों की पकड़ जकड़ को मात देती मछलियों के साहस की सराहना तो करनी ही पड़ती है। इधर आसपास खड़े कैक्टस के बदन पर उगे अनगिनत शूल उसका रोम रोम भेद कर बाहर निकले हैं चुनौती देने हर खासो आम को। कैक्टस मुरझाता नहीं, मुस्कुराता है, हरा रहना उसका अपना स्वभाव। इन्हीं अनगिनत कांटों के बीच कैक्टस की छाती पर जीने वाले जीते हैं, गतिशील हैं अपनी अपनी पगडंडियों पर, बाज के पर उसकी परवाज, पंजे और चोंच बहुत मजबूत होते हैं, हर परिंदा उसका शिकार, फिर भी छोटे से छोटे परिंदा, छोटे से छोटा परिंदा जिंदा है, धड़ल्ले से जीता है। अगली कविता सुनिए, शीर्षक है बादल। बनकर वाष्प बदलकर रूप, बादल बनकर आकाश में उड़ने से आकाश उतना ऊंचा तो नहीं होगा। जल जल थल, थल जल, थल का है जल, जल का है थल, थल से अलग विलय रूप प्ररूप भटकने लगता है आकाश में, इस छोर से उस छोर,
धरती और आकाश के बीच बूंद बूंद कर बरसना तो होगा ही, समाना तो होगा इस धरती के अंक में। चिलचिलाती धूप धीरे से धरती पर धरती है, चोरी चोरी अपने पांव और उतरती चली जाती है बहुत नीचे तक गहरे में, तेज चाकू सी धरती के वक्षस्थल में। धरती का भीतर तरल रूपा ममता पिघलने लगती है, बनती चली जाती है और हो जाती है पानी पानी। समा लेती है संपूर्ण धूप को अपने असीम अंक में, फिर ममतामयी रंग बिरंगी जल परियां नाचने लगती है, गाती है, उड़ने लगती है खुले आकाश में। थल से ऊपर उठकर जल नभ में केवल गरजता ही नहीं, चमकता भी है और बरसता भी। अगली कविता सुनिएगा। देख तो रहा हूं, कैसे इनकार करूं, अपने परिवार का प्रतिनिधि मैं, वह मैं ही तो हूं जल, जिस पर तुम्हें भी नाज है। धरती और आकाश के बीच मैं बसा हूं और आप भी, परंतु मैं धरती पर धरती ही का होकर जीता हूं। धरती ही मेरा आधार, मेरा घर। आप आकाश में उड़ते रहने पर भी आकाशी ना हुए आसमानी। पानी पर निरंतर लाठियां बरसाते रहे, पीटते रहे पानी को ही बार बार। पानी को तोड़ना संभव ना हुआ, बांट लिया पानी, भर लिए अपने अपने घट। हवा खाकर जीना संभव होता तो जी लेता हर व्यक्ति। पानी बड़ा ईमानदार होता है, खून की तरह। वह हर प्यासे की प्यास बुझाता है, परंतु भूखे की भूख नहीं। पानी से भूख की आग भभकती है, भूख अधिक सताती है, भूखे को ही खाती है। भरे पेट की दासी है, आपकी रखेल है हुजूर, गरीबी का क्या, गरीबों का क्या, वे जिए या मरे। धर्म और मजहब से पेट भरता है, मनुष्य स्वतः ही ऊपर उठता है, आप भी उसे ऊपर उठाने में लगे हैं। अगली कविता है, चंद पालतुओं के बीच हिम्मत और हौसले से मर्दानी जिंदगी जीने वाली शेरों की सगी मौसी हूं। शायद आप समझ गए होंगे कि ये कविता किस बारे में है। चंद पालतुओं के बीच हिम्मत व हौसले से मर्दानी जिंदगी जीने वाली शेरों की सगी मौसी हूं। ठठेरों के मोहल्ले में रसी हूं, बसी हूं, रोजमर्रा की इस खटपट से बखूबी वाकिफ, इसकी फितरत से बेफिक्र। नुक्ता चीनी वह भी मेरी बेमानी, चूहे मार कर खाना आदत है मेरी, चूहा मेरी रोजमर्रा की खुराक, मेरी पुश्तैनी दावेदारी, मेरी बापौती मेरा हक, धर्म है संस्कार है मेरा। मैं उन्हें चाव से चबाती हूँ, मिलने पर पेट भर खाती हूँ। अपने घर में दूध दही की रखवाली मुझे ही करनी पड़ती है, मर गए रखवाली करने वाले। मेरी गली मोहल्ले के भौंकन जीवियों से मुकाबला रोजमर्रा का काम, सैकड़ों दांव पेच विरासत में मिले, हजारों हथकंडे हथियाने पड़े। मेरे दानिश्वर दुश्मन गुर्राना व भौंकना भूलकर अब दुम दबाए फिरते हैं। रूबरू होते ही मुखातिब मेरे मुंह मेरी तरफ और गाने लगते हैं, तव मेव माता च पिता तव मेव, मुकाबले में मजा नहीं रहा। बार बार पिटते हैं, लिटते हैं मेरे पाँव में और दुम दबाकर बैठ जाते हैं, लात खाकर मात खाकर। जख्म भरने से पहले उन्हें फिर नोचना खरोंचना फर्ज हो गया है मेरा। जख्मों को हरा रखना जरूरी है, लाजमी है मेरे लिए। मेरे तेज पंजों की खरोंच के निशान, उनके चेहरों पर मुंह बोलती मोहरे अमर निशानियां। सच पूछो तो तरस आता है उनकी जात पर, उनकी बात पर। मिलकर भी तो मुकाबला नहीं कर सकते, पालतू कहीं के, फालतू कहीं के।
अगली कविता सुनिए। विश्वासों को पालो, दुलारो, पुचकारो, उन्हें सींचो अपने खून से, सहारा दो बेसहारों को, जला दो अपने व्यक्तित्व को, अस्मिता अस्तित्व समर्पित, दे दो उन्हें अपने अरमानों की आहुति, उन्हीं के पोषण के लिए। साधुवाद का स्वांग रचने वालों, जीवन ऐसा तो नहीं जैसा तुम समझ बैठे हो। जीवन की पुस्तक के अगले ही पृष्ठ पर अंकित है मक्कारी, धोखा, चालाकी, फरेब, छल, कपट, ये तमाम बुराइयां जो इस पल तक जीवित हैं। परंतु ये सब बेमानी, अपरिभाषित, इसी जीवन के पूरक। जीवन प्यासा है प्यार का, दुलार का, स्नेह का, श्रद्धा का, विश्वास का, ये सब सच है। फिर भी यह प्यास इसके पीने भर से बुझ क्यों नहीं जाती? प्यार कोई धधकती हुई आग नहीं, ना सुलगती धुआं देती लकड़ी। प्यार शक्ति है, जीवन है, सुलगती धुआं देती धधकती अग्नि नहीं। अगर प्यार आग ही है तो इसे चाहिए खूनी खून से सना प्रेम, विश्वासघाती विश्वास, सर फूटी श्रद्धा, सारहीन स्नेह, ये भी तो इसी के अवयव, इसी के पूरक। किसका मातम झुंझलाहट कैसी, अपेक्षा अभिलाषा पीड़ा के ये पोषक शोषक, ये शब्द जहन की कमजोरी, कमजोर व्यक्तित्व के परिचायक। दर्द दर्द होता है, दिल में या सर में, बाहर हो या घर में, अपना है केवल अपना, बंट नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता बांटने की प्रक्रिया में बिखर तो सकता है, सिमट नहीं सकता। अगली कविता सुनिएगा। निरंतर दिग दिगांतरों में पसर फैलने वाला प्राण, मांस मज्जा और रक्त का एक सजीव विवेक, धरती और आकाश के बीच व्याप्त संपूर्ण रिक्तता मेरे होने में पूर दी है। मेरी सांस की गति, मेरे रक्त संचार की चाप, मेरे हृदय की धड़कन स्पंदन लयबद्ध होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त, और मैं युग युगांतर से एक निरंतर पीड़ा प्रद विषमताओं का ढेर अपनी पीठ पर उठाए चले आ रहा हूं। जहर प्रत्येक पदार्थ को रूपांतरित तो करता है, परंतु मानवता को नहीं। जहर ताजा हो या बासी, सुकरात उसे पीता है, जीता है। सलीब सलामत है, ईसा जिंदा है, सूली सलामत है, मंसूर जिंदा है। यह कैसे, क्या हुआ, क्यों हुआ, यह कैसा एहसास है कि मैं सुकराती, मैं मंसूरी, मैं देहदारी, अपने रोम रोम में गड़ती कील, जान लेवा चुभन के साथ शरीर के अंदर उतरती महसूस करता हूँ। अनगिनत नुकीली कीलें और कीलों के ऊपरी सिरे पर सवार निर्लज्जता साकार, बेहया बदतमीज भीड़ की बेहुदा हरकतें और मुट्ठी भर बेहुदा लोग जमकर बैठे हैं उन नुकीली कीलों के सिरे मेरे जीवित शरीर में। आहिस्ता 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 नीचे पैरते ही चले जा रहे हैं इन्हीं की बिरादरी के लोग। चील, कौवे, कुत्तों, गिद्धों की शक्ल में मंडराते रहते हैं मेरे आसपास, मौका पाकर अपनी अपनी चोंच मेरे रिश्ते घावों में यूं डालते हैं जैसे कलम दवात में। जानलेवा सलीब, सूली और जहर, इन सब की शराफत का तकाजा क्या है? आओ शहीदों के नाम इतिहास के पन्नों में और जोड़ दें। लहू बह रहा है, सलीब सूली आज भी खून से तर बतर है, खून ईसा का हो या मंसूर का। एक कविता और सुनिए। यार मेरे, मेरे यार, तू यह तो बता, तू है कौन, क्या है, क्यों है, कब से है, किसका है, इसका, उसका,
सबका, सुख दुख में एक सरीखा, सृजनहार प्रकृति परम तेरी सर्वोत्तम कृति मैं, मेरे समूचे सृजन का सिरमोर यह मानव, तेरी अंशी तेरा अंशी, वादी विवादी प्रतिवादी संवादी, इसे मुखौटे लगाने की लगन और तू संपूर्ण ब्रह्मांड का स्पंदन, मूर्त अमूर्त सूक्ष्म विराट आदि अनंत में अनिर्णित, बंटे बंटे से फटे फटे से कटे कटे से हम, तू एक और हम अनेक, तू है तो एक ही ना, हमारी सरदारी समझ की साझेदारी मात खाती रही है, तेरे ये बटमार निहित स्वार्थों के पोषक, जनसाधारण के शोषक, जनहित के शत्रु तुझे सबसे छीन कर बांट लेते हैं, एकाधिकार जताते हैं, अधिनायक बनकर ऐलान करते हैं, हम हैं वक्त के नीरो चंगेजी अंदाज के साथ, अपनी हाकिमाना नादिराना नापाक हरकतों से कब बाज आए, ये वक्त के बेइंसाफ हाकिम अपनी अपनी मनमानी कर गुजरते हैं, और नंगे न्याय का सामना हमें करना पड़ता है, तेरे नाम पर धड़ल्ले से छूट लेने वाले ये लोग हमारी मजबूरियों का और तेरी मनमानी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि तू पाक दामन दागदार हम गुनागार हम, रहीम राम के खेमों में बंटे बेबस मजबूर गरीब मजदूर, मूर्त अमूर्त साकार निराकार के भंवर में तिरते डूबते हम, सत्य होकर भी मिथ्या में परिवर्तित होने लगते हैं, मन मौजी निरंकुश तू तो सबके भीतर और बाहर भी, फिर हम पर ये तमाम पाबंदियां क्यों, पाबंदियां भूगोल की इतिहास की, पाबंदियां समय की स्थान की, पाबंदियां समाज की सरकार की, पाबंदियां सभ्यता की संस्कृति की, और फिर बंधन बंधन दर बंधन गठबंधन, मान्यताओं के हठ धर्मिताओं के, जातिगत व्यक्तिगत भूतगत भाग्यगत भावगत ब्रह्मगत, और इस तरह भोले सुकुमार वर्तमान पल की यूं निर्मम हत्या, सिर्फ उस धुंधले धूर्त अस्पष्ट अनिश्चित भविष्य के लिए, मोक्ष के लिए वह भी मरणोपरांत, यार कौन मुसाफिर है और कौन मोमिन, तू रब है जहां सब है जगदीश्वर रब्बिल आलमीन, तुझे पूजा ध्यान से धूप से धन से मन से विचार से, रगे शेके करीब तू, तेरे हर एहसास और हमारी यह तलाश, मंदिरों में मस्जिदों में गिरजाघरों में गुरुद्वारों में, जल में थल में नभ में आकाश में हवा में अग्नि में, हम हवन होकर भी तुझसे दूर, और तेरा दावा कि तू सर्वत्र कण कण में समाया हुआ, तू रहबर हम राहगीर, सर्वोत्तम पुरुषोत्तम कृपालु करीम दयालु रहीम, शैतान जो तेरी सत्ता को ललकारता है, तेरे द्वारा प्रदत्त स्वर्ग की सरदारी ठुकराता है, शर्मनाक शैतानियत का बेताज बादशाह बनना चाहता है, ये तेरे रावण ये तेरे कंस ये तेरे यजीद ये तेरे चंगेज नमरूद, मरकर भी अमर क्यों है, अन्याय की उम्र लंबी तो नहीं होती, प्यारे लाल फैसला अटल है, महाभारत न्याय की अन्याय पर विजय रक्त रंजित युद्ध भयंकर नर संहार, ओम शांति शांति शांति, करबला में हुसैन की शहादत यजीद की मौत का दस्तावेज, और एक बार फिर अन्याय पर न्याय की विजय, साक्षी है इतिहास, लेकिन ये मनुष्य रूप में शैतान भेड़िए रावण और कंस नमरूद और यजीद चंगेज और हलाकू सरे आम खुल्लम खुल्ला नादिराना हरकते करते हैं, विचरते हैं चाहे जहां चढ़ते हैं, लोग मरते हैं
वे तो नहीं मरते। आ तू करीब आ, आ हमारी समझ में समा जा, पलायन मत कर भीतर तक जा, हमारे साथ साथ चल जमीन पर उतर, जमीन पर हमारे साथ रहने का एहसास भर कर ले, जमीन के खुरदरे धरातल पर रहना सीख, मरने वालों के बीच किसी बस्ती में दर्दनाक शर्मनाक शर्मिंदा कर देने वाले हादसों की चपेट में तो आ, मरना बर हक है, मरने पर हमारा हक है, तू अमर है तो फिर जीने का हक हमारा क्यों नहीं, आस्था अनास्था के बीच अहम या वहम के शिकार हम, हमें अपनों ही के हाथों मरना पड़ता है, महज इसलिए कि आदमी सिर्फ आदमी होता है, लेकिन सुन तेरी तरह मूर्त अमूर्त होता हुआ यह इंसान जिसमें समुन्दर विशाल विराट इंसानियत का झरना निरंतर बहता आया है, शैतान जो आग से खेलते हैं, आग के बने हैं, आग उगलते हैं, आग ही खाते हैं और उसे पचाते हैं, तुझे उन्हीं से लड़ना पड़ता है, तू तो तटस्थ होकर देख यह तेरी मजबूरी, फैसला अब हमारे हाथ में है, प्यारे लाल तेरे बूते या तेरे बहाने, चलने वाले हिज हाइनेस को चलन से बाहर किया, अब तेरी शरारती होती हाइनेस की बारी है, हमें तेरी जरूरत नहीं, तुझे जरूरत हमारी है। तो ये था सदीक साहब की छंद मुक्त कविताओं का आपके सामने पाठ। धन्यवाद करती हूँ जन सरोकार मंच और देवेंद्र जी का आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, और अगले किसी कार्यक्रम में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।